हिसार लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी ब्रिजेंद्र सिंह ने अपना जोरदार चुनावी अभियान शुरू कर दिया है। चुनावी अभियान के दौरान ब्रिजेंद्र सिंह ने उकलाना हलके के एक दर्जन गांव का तूफानी दौरा किया। ब्रिजेंद्र सिंह ने प्रभुवाला, मुगलपुरा, दौलतपुर, किनाला, पाबड़ा, किरमारा, नंगथला, किरोड़ी, अग्रोहा में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी पार्टी एक तरफा जीत हासिल करेगी। ब्रिजेंद्र सिंह ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि जो काम मोदी सरकार ने पिछले 5 सालों में किए हैं वह कांग्रेस पार्टी 70 सालों में भी नहीं कर पाई। उन्होंने कहा कि लोकसभा सीट पर इस बार कमल खिलेगा। देखिए, ये उनका पैतृक गांव जरूर है, लेकिन राजनीतिक तौर पर यदि बात करें तो ये गांव आज के दिन पूरा भारतीय जनता पार्टी का गांव है, आदरणीय सरदाना जी का गांव है। और जिस प्रकार से लोग आज आए हैं और जो उत्साह उनमें है, मुझे कोई शक नहीं कि ये पूरा का पूरा गांव जो है वो भाजपा में है। और 12 तारीख को बहुत भारी समर्थन हमें इस गांव से मिलने जा रहा है। नहीं देखिए, वो उनके मुद्दे हैं, बड़ी अच्छी बात है, युवा हैं, मुद्दों के साथ आ रहे हैं, लेकिन मजबूरी है, उनकी पार्टी की जो दशा है वो आपके सामने है। और फिलहाल तो ये लोकसभा का चुनाव है, तो हिसार को राजधानी बनाने का सवाल तो राज्य सरकार का है, सो फैसला तो राज्य सरकार करेगी। तो मेरे ख्याल से ये मुद्दा उनके लिए जब ज़्यादा सार्थक होगा जब असेंबली के चुनाव आएंगे। हवाई अड्डे का प्रोजेक्ट बहुत सालों से अंडर कंसिडरेशन है, कभी उनकी पार्टी की ये संभावना बनी तब तो वो बात करते समझ में आते हैं, लेकिन हवाई अड्डा हिसार में जो बनेगा वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही बनेगा, उनके बस की बात नहीं है।